first of all, good to see you. Rolling? Yeah. Okay. So, first of all, good to see you. क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ तुम्हारा, कुछ हमारा उसके लिए? Well, first of all, बड़ा मजा आया इशिता के साथ काम करके. बोलना पड़ेगा. She is one of the best co-stars, and I, Ishita, I really love working with you. Thank you. Same here. No, we had a lot of fun. We बहुत मजा आया. And actually, we are very, very excited for everybody to hear the song, to see the visuals. I think it's beautiful. We just saw it right now, and I think लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला. The lyrics are beautifully written. So yeah, I'm just waiting for audience's reaction. Yeah, so there are a couple of things. इस सॉन्ग को लेकर है. एक तो सिद्धांत सचदेव डायरेक्टर, डियर फ्रेंड, आई थिंक मेरा तीसरा चौथा गाना है उसके साथ, एंड ही सुपर्ब. ऑफ कोर्स द ऑडियो इज अमेजिंग, सिंगर्स, सो आई मीन इट्स अमेजिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स बाबा बीट्स, एंड बाबा बीट्स इज बेसिकली बाबा फिल्म्स, एंड बाबा फिल्म्स इज बेसिकली समबडी हू लॉन्च्ड मी इन टार्ज़न द वंडर कार. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, एंड बाय द वे they are releasing their label also through this song, so I'm really privileged and honored to be part of this. So bahut zyada excitement hai. So hum baat kare gaane ki, story ki, ma'am dikh raha hai ki aap ma'am ko yaad dilate ho, sab uske bare mein kuch bataiye, kya kuch darshak accept karte hain? Basically usually jo music videos hote hain wo usually they are like, you know, dance and, you know, random, but isme ek achhi si kahani hai, ek kahani hai, ek prem kahani hai कि इशिता और मैं किस तरीके से पास्ट में थे, और कुछ हादसा होता है जिससे इसकी याददाश्त चली जाती है, एंड बहुत कोशिश करने के बाद जो गाने में दिखाया कि किस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि वो याददाश्त वापस आ जाए, और इवेंचुअली हैप्पी एंडिंग याददाश्त आ जाती है. वेरी ब्यूटीफुली रिटन, जिस तरह से हम पास्ट एंड प्रेजेंट में वी कांस्टेंटली स्विच बिटवीन द टू, एंड द एंटायर सीक्वेंस एक वेडिंग सीक्वेंस चल रहा है जहाँ पे शादी तो हो रही है, शादी के अलग अलग फंक्शंस हमने दिखाए हैं, और किस तरह से हर फंक्शन में बत्सल मेरे सामने आ जाते हैं, ही इज ट्राइंग टू रिमाइंड मी ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी हैड. आई थिंक ये बहुत ही अच्छी तरह से द स्टोरी लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल. सो या, कुछ मेमोरेबल पॉइंट ड्यूरिंग दिस सॉन्ग, कुछ बताना चाहोगे? वेल, बहुत ही डिफिकल्ट था. इट वॉज अ टफ शूट. आप जब चेंजेस एंड लॉट ऑफ लोकेशन, देयर इज वन थिंग व्हिच हैपेंड. हम लोग बीच का नाम तो नहीं बताए वो बीच का नाम क्या था, पर हम लोग शूट कर रहे थे गोराई बीच. हाँ, गोराई बीच में हम लोग शूट कर रहे थे, एंड सडनली एक दो शॉट हुए. एक्चुअली जो शूट करना था कर रहे थे, फिर थोड़े लालची हो रहे थे डायरेक्टर के, ये भी करते. सडनली बोलता है एवरीबडी इन द कार, गो. तो हम लोग, क्या हुआ? सडनली वो हाई टाइड आ गया और पानी आ रहा था, तो हम लोग जैसे भागे गाड़ी में बैठे, एक्चुअली पानी आ गया, तो एक गाड़ी तो बेचारी अटक गई वहां पे. सो आई थिंक लीव दैट लोकेशन, अदरवाइज वहीं पे पूरा शूट करना पड़ता हमें. सो वी डिडंट रियलाइज कि इतना तेज पानी आ जाएगा. सो या दैट वाज समथिंग वेयर वी ऑल रनिंग अराउंड, बट इट वाज अ फन शूट. फन शूट. बात करें हम आगे किस तरह के गाने हमें देखने को मिलने वाले, वेल अभी फिलहाल तो यही गाना है, एंड हम बड़े एक्साइटेड हैं इस गाने के बारे में. द ऑडियो इज अमेजिंग, वीडियो इज अमेजिंग, सो एट द मोमेंट इट्स अबाउट दिस सॉन्ग. सर, अगर बाबा बीट्स की बात करें तो आपका डेब्यू टार्ज़न द वंडर कार और अब इस गाना, तो कितना अच्छा बॉन्ड हो जाता है, और अब ये गाना लाना, उसके बारे में कुछ? वो आई थिंक वो मैंने आंसर कर दिया इससे पहले. नहीं, आपका डेब्यू बाबा बीट्स के साथ हुआ, उसके बाद अभी वापस, तो उसके बारे में? हाँ, वो मैंने जवाब दे दिया था पहले ही. पहले जब बोल रहा था ना, उसमें यही इसी का सवाल का जवाब भी दे दिया था. सो मैम, बात करें दृश्यम की, दृश्यम 2 भी आने वाले, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मुझसे ज्यादा आई थिंक ऑडियंस काफी एक्साइटेड है. मैं भी एक्साइटेड हूं. वी वर द फर्स्ट टू सी द मलयालम वर्जन व्हेन इट केम आउट, बट ऑब्वियसली हिंदी थोड़ी अलग होने वाली, ज्यादा बोल नहीं सकती, बट हिंदी में मलयालम में इशिता भी नहीं थी. But people are really going to like it. I think normally jo perception hota hai ki sequel jab aati hai, people are not sure if it's going to be as good, because like you know, Drishyam is all about the story. But I can say this much that jitna thrill logo ko part 1 mein aaya, shayad zyada thrill is bar logo ko dekhne ko milega. So if we talk about Ajay sir, Tarzan mein aapke daddy bane aur Drishyam mein ma'am ki papa, uske baad kya bolna chahoge? Dono ke daddy. I don't want to say more that, but एक्चुअली आई डोंट नो, इट वॉज अ कोइंसिडेंट दैट मेरी फर्स्ट फिल्म में भी वो मेरे फादर थे और इनके भी फादर थे.
सो बट एक्चुअली अजय सर ने हमको बताया जब हमारी शादी हो गई, तो अजय सर को हम बता रहे थे कि यार सब हम चिढ़ाते हैं यार, बाप है दोनों का कैसे हो गए, तो बोले एक्चुअली दृश्यम में वो अडॉप्टेड डॉटर है, टेक्निकली वाज नॉट माय टेक्निकली फादर. नॉट फादर. कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है अजय सर के साथ काम करना. आई डोंट नो, आई थिंक दैट यू नो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स यू नो एवर, एंड आई मीन इट्स एज आई से इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज यू नो दैट आई बीन पार्ट ऑफ अ फिल्म वेयर यू नो अजय सर वॉज देयर एंड इट वॉज एन ऑनर. सो इतना कुछ सीखने को मिलता है यू नो, इतना कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ रहकर, अंडरस्टैंड कर किस तरीके से वो एक्ट करते हैं और किस तरीके से वो मदद भी करते हैं. सो वेल एज आई सेड दैट वाज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू वर्क विद अजय सर. Yeah, same. I think I'm lucky that again I get to work with him या in Drishyam's लकी office. यू. 6 years. I got to work with the entire team after 6 years. So it's always a privilege to work with actors where you can learn so much and they are so 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 much experienced. मतलब मैं क्या बोलूँ. I think I have no words to say about it. सर हम बात करें आपके इंस्टाग्राम पोस्ट की, तो आपने रिसेंटली पोस्ट किया है मोहब्बती से रिलेटेड, हाँ. कितना प्यार मिला था उस समय और अभी तक कितना प्यार मिला है उसके बारे में क्या? वेल फर्स्टली आइडिया मेरा था, मी एंड आइडिया तन्वी. तन्वी इज मैरिड टू आदित्य. हमने प्लान किया कि रीयूनियन होना बहुत ज़रूरी है एंड समहाउ वी गॉट देम टुगेदर एंड आई थिंक दे मेट आफ्टर व्हाट 20 इयर्स. ऑलमोस्ट 20 इयर्स. सो जस्ट मोहब्बत इज माई फर्स्ट एवर टीवी शो. फर्स्ट टाइम मैंने एक्ट कभी किया वो जस्ट मोहब्बत था. इट वॉज बैक इन 99. बहुत साल हो गए. एंड इट वॉज ग्रेट फन. बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड जिन लोगों ने जस्ट मोहब्बत देखा है उनको पता है कि जस्ट मोहब्बत कल्ट था. यू नो एवरीबडी स्टिल रिमेंबर्स जस्ट मोहब्बत. इट्स सो फ्रेश. एंड आदित्य कपाड़िया जो गौतम का किरदार निभा रहे थे जस्ट मोहब्बत में, आई मीन आई आफ्टर द शो गॉट ओवर डिडंट रियली यू नो मीट अप एंड ऑल, एंड आफ्टर 20 इयर्स थैंक्स टू इशिता हम लोग मिले एंड वी आर लाइक ओ माई गॉड यू नो. सो वी थॉट कि एक रील तो बनता है. एंड वेल इट ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज. बहुत ज़्यादा मेमोरीज यू नो. इट वॉज क्वाइट नॉस्टैल्जिक. बट येस आई थिंक जस्ट मोहब्बत जयस मेहरोत्राज कैरेक्टर जस्ट मोहब्बत इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी. एंड या आपके लॉकडाउन में काफ़ी सारे रील्स देखे, अभी भी रील्स देखते, काफ़ी ज़्यादा प्यार देते लोग आपकी रील्स को, तो आप लोगों की केमिस्ट्री जो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उन लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच हमारे रील्स को. एक्चुअली इट स्टार्टेड विद बोर्डम बिकॉज लॉकडाउन में सब घर पे थे एंड लाइक वी डोंट नो व्हाट टू डू. सो आई थिंक टू एंटरटेन ईच अदर वी स्टार्टेड मेकिंग इट एंड लोगों को काफ़ी अच्छा लगा एंड दैट काइंड ऑफ मोटिवेटेड अस टू मेक पिंकी एंड पिंटू सीरीज. वी काइंड ऑफ स्टार्टेड मेकिंग. या एक्चुअली लॉकडाउन में भी बोथ आर यू नो थिंकिंग दैट दोनों एक्टर हैं, घर पे कैमरा है, फोन कैमरा है, तो आई से दैट लेट्स डू समथिंग एंड एंटरटेन यू नो. वी आर एंटरटेनर्स एंड दैट्स व्हाट वी डू. सो हम लोग ने सोचा चलो कुछ करते हैं. लॉकडाउन में हम लोग ने ऐसे ही कुछ फनी से रील्स और वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए. काफ़ी काफ़ी वायरल, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए. एंड वी गॉट सो मच ऑफ अमेजिंग रिस्पॉन्स. पीपल आर सेइंग दैट यू नो योर रील्स जस्ट ब्रिंग अ स्माइल ऑन टू आवर फेस एंड वी आर लाइक वाव यू नो. सो थैंक्स टू यू बिकॉज ऑफ योर लव वी स्टार्ट डूइंग दिस एंड दैट्स अबाउट इट. सो एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस अबाउट दिस सॉन्ग. सो अच्छा बाय द वे ये रिलीज कब होगा? सॉन्ग रिलीज होने के पहले या बाद? बाद में. मतलब सॉन्ग आ चुका है तब रिलीज होगा ना. पूछिए सवाल वापस. वेल गाना रिलीज हो गया है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए और बाबा बीट्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए और सॉन्ग देखिए बिकॉज कुछ तुम्हारा कुछ हमारा बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत की. आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू अस फॉर अ लॉट ऑफ रीजन. जैसे मैंने कहा कि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैक इज अमेजिंग एंड द काइंड ऑफ स्टोरी इट हैज़ इट्स दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल. सो प्लीज़ डू वॉच इट कुछ तुम्हारा कुछ हमारा और वी रियली फील दैट आपको जरूर पसंद आएगा ये गाना. थैंक यू. थैंक यू. जो नेक्स्ट इंटरव्यू